हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कुछ व्लॉग इस तरह सा है कि बड़ी बहू तो गाँव गई, बेटा बड़ा बेटा वो सब गाँव गए, और दूसरे दिन अयूब भी गोवा गया था। तो तीन दिन की छुट्टी ऐसा लेके गया था, तो दो दिन हो गया तो वहाँ पर उसको मन नहीं लग रहा है। तो आज कल आने निकलने वाला था वहाँ से, तो आज ही निकल गया सुबह में। तो नीलोफर को मालूम नहीं, सरप्राइज दे रहा है वो, तो इसके लिए उसको पता नहीं कि अयूब आ रहा है। अभी वो आ जाएगा शाम के 7:30-8 बजे तक आ जाएगा। सर सुन रही तो नहीं, अंदर खाना खाने और खाना लेके अंदर खाना खा रही बेडरूम में। तो इसके लिए तो उसको ये सरप्राइज देते हैं कि आज आने वाला है, तो उसको पता नहीं आज वो आने वाला है करके। चलिए देखते हैं, वो लोग खाने बैठे इसलिए बता दी। साहिल यहाँ पर बैठा है और उसके अब्बास हुए, आज छुट्टी है। नीलो पर वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये बेडरूम खाली है, यहाँ पर नहीं है वो लोग, तो अच्छा नहीं लग रहा। तो चलिए यहाँ पर नीलो पर खाना खा रही आई है। आनो यहाँ पर पिक्चर लगा रही, कौन सा भी पता नहीं, देखेंगे कौन सा लगा रही। खाना हो रहा है और बाहर का मौसम इस कुछ इस तरीके का से है, ज़्यादा धूप नहीं है, छाँव छाँव अच्छा है। तो अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं, तो अभी आई पाया नहीं। जब तक सोच रहे उसके अब्बा आज भूत चढ़ाए कि जासमीन को आज एक्टिवा चलाना सिखाएंगे, तो जा रहे हैं साथ में। साहिल जा रहा थोड़ा बहुत शूट करने के लिए, वो कैसा चलाएगी क्या है वो तो आपको बता दूंगी मैं। और साथ में हाँ जो भी है, जो भी टू व्हीलर जो भी है जो चला, और ये जा रहे हैं इसके अब्बा बताने के लिए, क्योंकि अभी मैं वो घर पे अकेली हो जाएगी इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। हाँ तो देखते हैं कैसा है, गाड़ी चलाएगी सिखा रहे हैं आज उसके अब्बा, गाड़ी चलाना सिखाएंगे बोलते। साइकिल तो आती है उसको, अभी देखते हैं। और साथ में बॉडीगार्ड भी जा रहे हैं साहिल भाई साहब, बॉडीगार्ड। तो बच्चा दाढ़ी नहीं मुंडा रहा, पता नहीं किसकी मन्नत मांग के बैठा है। देखो जरा दाढ़ी इसकी, देखो दाढ़ी वाले काम बड़े यार। जाने दो, क्या बोलना चाहते हैं। जा को हीरो कर लगा जा। तो घर पे कोई भी नहीं, आवाज़ ही नहीं है, घर पे फैन भी बंद है क्योंकि मैं किचन में हूँ। नीलोफर झाड़ू मार रही है, तो इतना घर सन्नाटा लग रहा है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये बना रही हूँ मटकी चना, यही को बहुत पसंद है इसलिए बना रही हूँ। और थोड़ा सा झींगा फ्राई करूँगी, कच्चा झींगा, थोड़ा सा चिकन फ्राई करूँगी, दाल है। और सुबह 7:30-7 बजे तक यूसुफ और अरहान सब आ जाएंगे, अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर के बाद में अयूब आएगा। तो ये लोग गए गाड़ी चलाने, पता नहीं देखेंगे गाड़ी चलाती या गिर के आ जाएगी, पता नहीं क्या क्या करेगी। साहिल को बोली थोड़ा सा इडो निकाल के लाने के लिए, तो आपको भी बताती हूँ मैं। चलिए नीलोफर क्या कर रही है देखते हैं। नीलोफर यहाँ पर झाड़ू मार रही है, क्लीन कर रही हूँ, तो ये पूरा कपड़ा धो के डाली यहाँ पर। ये फैन पता नहीं हमारा क्या हो गया, टूट फूट गया, तो उसको फांसी का फंदा लगा के लटकाए यहाँ पर। वो नीचे से टूट गया है, वो कैसा टूट गया पता नहीं, इसके लिए यहाँ पर उसको लटका दिए बांध कर। क्या ऊपर भी फैन है लेकिन हवा नहीं आती, और एसी भी है, एसी पहले की एसी थोड़ा सा ख़राब है, वो बनाना है उसको भी, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। चलिए झाड़ू मारी, जब तक मैं थोड़ा सा चना बना लेती हूँ। देखिए घर में कोई नहीं है, सब कपड़ा सूख रहा है, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ भी थोड़ा। तो वही पर जस्ट फोन आया था, अभी वो आ रहा है, 5 मिनट में आ रहा है। चलिए इसको पता नहीं, सरप्राइज देना मुझे बहुत अच्छा लगता। चना चावल पक रहा है, चावल पक रहा है, तो और बनाना है। तो यहाँ पर नीला पर कलंगड़ खा रही थोड़ा सा ठंडा ठंडा फ्रिज का। नीलोफर कौन है, देख कॉल को कौन है। कैसा लगा सरप्राइज? मैं तो सरप्राइज देना कर बोले नहीं मैं। तो
अरे कहता था रेडी होना करी थी कितनी है दिखा ना फेस जो है बहुत अच्छा लग रहा है मस्त लग रहा है। गोवा से मस्त रेडी होकर आया टोपी गोवा की। कैसा लगा सरप्राइज? रोना चारो क्षेत्र देखो। मैं कब से ठहरू कार गिर देखेंगी क्या करेंगी कर बोल को। कुरान पढ़ी थी बच्चे नको कर बोल को सबक में पढ़ गए थे कर जरा गले मिले मिलना बाद में रोना कर करते मर पे देखने रोना आ रहा है। जरा ईद मुबारक कर जा बा तू जरा बा कल्ली। देखो खुशी के आंसू ये होते हैं खुशी का कल तो बोले थे ना आ जाए तो तुम्हें याद करने अच्छा करे जो अच्छा करे छोड़ करने मस्त नए कान में पहने के मेहंदी लगा ली आज हाथ में मैं तुझे सरप्राइज देखना कर बोल कुछ मालूम होता क्या। हाँ वही तुझे बोली ने मतलब मैं बोली तो कल आता हूँ देखे पर्दे पीछे उड़े कर रखे हम कार देखना नहीं कर बोल को नीचे कार है वहाँ सब काम कैसा हुआ एकदम हवे में इसमें वो मुझे ऐसा बात करे तो मैं उसे पूछी तू बोला क्या नीलो फर्क कर नहीं बोला क्या नहीं मैं तो नको बोलू छोड़ सरप्राइज देंगे थे मैं कर बोल को उसके बाद देख रही ना। टोपी कैसी है भारी टोपी तू डाले जरा क्या करे गाड़ी सीखी नहीं अंडे क्या कैसा सीखी कैसा सीखी जी नंदो देखे ऐसे कहते तारीफ ज्यादा भी झूठ नहीं बोलने का रहता गाड़ी मिली में नीलो पर आई जान सरप्राइज हो बक्का बक्की उचड़ी कोई देखने के लिए नहीं कुछ दरवाजा बंद करे और हमें फिर पहुंचे। हां वहां देखे बेटा देखे ठीक है गोल जाकेंगे कितने हां तो थोड़ी देर में पानी चल रहा है थोड़ी देर चलो अभी जासमीन का इसके बाद में वीडियो देख लीजिए कैसा कैसा गाड़ी चली। हां पागल औरत और सही आ गया सरप्राइज देखिए काफी इमोशनल हो गई नीलो पर अच्छा लगा मुझे एक ही कर गया वापस मेरा घर भर रहा है अभी आयुब आ गया कल दोनों भी आ जाएंगे घर खाली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बच्चों के बगैर तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर चिकन फ्राई कर रही हूँ ये देखिए और ये झींगा कच्चा झींगा ये भी अच्छे से सूखा बना दूंगी तो अभी उसको भूख लगी बहुत ज़्यादा तो जल्द जल्दी अच्छे से फ्राई करके दे देती हूँ। तो नहाने गया अभी तो नीलो बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा खुश हो गई क्या बताऊँ जैसे कि आप देख चुके हैं बयान नहीं कर सकते खुशी की सरप्राइज अच्छे लगते सरप्राइज देना चाहिए कभी कभी। हाँ रन तो रात को यहाँ पर ये घर पे आई थी मैं सुबह 7 बजे आराम घर पे आया और जब से आया जब से रो रहा है दादी 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 करके तो अभी मैं जा रही हूँ 10 बज चुके हैं क्योंकि उधर से इसे पाना सोचा था गाड़ी में पेट्रोल नहीं था कार थी फिर भी समझा समझा के बैठा है उसको वहाँ पर तो जा रही हूँ अभी मैं चलिए मिलते हैं जाके आराम को अरे कहा बुला लेगा ना तू आ रही घर बोल बुला लेगा गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं घुमा लेगा ना तुझे घुमा लेगा ना हाँ तो उन्हें आता कर बोला था शर्म काली काली हो कार में घूम का देखो आ रहा है दादाजी के साथ में खेल रहा हूँ मेनी बारी काला हो गया 3-4 दिन के अंदर किसे दी पैसे रजिया अच्छा 2 मासी माँ है दोनों को कहते पैसे दी बड़ा नोट की छोटा छोटा भी माची माँ को छोटे नोट दी बने माँ को ये बने ना होता कौन भी नहीं बाथरूम में है देखा बेटे को बेटी बना रही
अपना दिखा बड़ा प्यारा लग रहा था। पहले ऐसी छोटी डालती थी मैं, पूरे बड़े बाला, बहुत लंबी छोटी बढ़ाया था। इंशाल्लाह बेटी और छोटी डाले। यहाँ पर ये नहीं, दोपहर गांव से रजा लेके आधी सुबह, तो ये मिर्ची का सालन बना रही, प्याज कटिंग कर चुकी थी। तो रजिया वो घर गई, क्योंकि मैं सोच रही हूँ उसको वो घर पे ही वहाँ पर ही रखूँ, क्योंकि घर इतना गंदा हो जाता है। तो मैं सोची बड़ी बहू इधर रहेगी, छोटी बहू इधर रहेगी, तो आज वो लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो हम, मैं भी, मेरे हस्बैंड उधर आते जाते रहते हैं, इससे अच्छा है तो वो वहाँ पर रहेगी, तो उधर भी थोड़ा सा खाना गिना हमारे लिए बनाएगी। तो छोटी बहू यहाँ और बड़ी बहू वहाँ, तो अच्छा है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा हमारा जरूर कमेंट करना, और लाइक ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो लाइक ज़रूर करना। हाँ, और जिसको पसंद नहीं है हमारा वीडियो देखना तो स्किप कर दीजिए, ज़बरदस्ती मत देखिए, अच्छा लगे तो देखिए। कि हम छाती पे बैठे थोड़ी बोल रहे हैं कि आप हमारा वीडियो देखो और गंदे गंदे कमेंट करो, तो अच्छा नहीं लगता। तो नहीं होता तो देखिए मत, स्किप कर दीजिए, है ना। फिर आगे फिर मुझे और कुछ भाषण देने को मत लगाइए नेक्स्ट। ठीक केयर, बाय।